बजट के दौरान ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में दो बैंकों के और एक बीमा कंपनी में निजी सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ावा देगी और अपने इसी फैसले पर कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है। यहां तक कि सार्वजनिक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार मानसून सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी भी कर रही है, जिस पर सत्र में हंगामे के आसार हैं। देश में तेजी से महंगाई बढ़ रही है जबकि विकास दर घटती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र ने तो केवल निजीकरण को बढ़ावा देने पर अपना फोकस किया हुआ है, तभी तो एक के बाद एक बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। और अब तो सार्वजनिक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार मानसून सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी भी कर रही है। इस बिल में प्रावधान होगा कि जिन बैंकों में निजी हिस्सेदारी हो उनसे सरकार अपना स्टैक पूरी तरह से वापस ले ले। इसी मकसद से सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। दरअसल बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकार की 51% की हिस्सेदारी जरूरी है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि उसकी हिस्सेदारी 51 की बजाय 26 ही रहेगी और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब सरकार निजी सेक्टर की हिस्सेदारी वाले बैंकों से पूरी तरह से अलग होने की कोशिश कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि हम इस विधेयक को मानसून सेशन में ही ला सकते हैं और फिर कुछ अन्य मुद्दों पर काम किया जाएगा। इस विधेयक से एक मैकेनिज्म तैयार हो सकेगा, जहां एक तरफ सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चर्चाएं हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण किया जा सकता है। सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को घटाने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार ने अब तक किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि हमें निवेशकों, बैंकर्स और इंडस्ट्री से कुछ सुझाव मिले हैं। अगर स्टैक सेल में तेजी लाने में मदद मिलती है तो फिर हम कुछ संशोधन पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय फिलहाल रिजर्व बैंक से निजीकरण की स्थिति समेत तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है। सरकार के इस प्लान से साफ है कि वो अब धीरे धीरे बैंकों को निजी हाथों में सौंप रही है ताकि उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सरकार की जरूरत क्या है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।